गुड इवनिंग टू ऑल, मैं माहम जावेद आज विषय शिक्षित बेरोजगारी पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। प्राचीन समय की बात करें तो तब व्यक्ति के लिए केवल वस्त्र, भोजन और रहने के लिए मकान ही जरूरी था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अनेक आवश्यकताओं के बिना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। तो आज का युवा चाहता है कि वह उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर एक अच्छा रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे, जिसके लिए वह कई अध्ययन करता है, कई प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और अपने को बहुत सारे गुणों से पूर्ण कर लेता है। ऐसा सब कोशिशों के बाद वह नौकरी के लिए आवेदन करता है, लेकिन कहीं उसको जाति के नाम पर तो कहीं आवेदकों की संख्या ज़्यादा होने के नाम पर या कभी हमारे द्वारा किए गए कोई भी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को हमारी सरकार द्वारा मान्य नहीं किया जाता या फिर उस पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी जाती है और आवेदनों को बर्खास्त कर दिया जाता है। यही वजह है कि हम शिक्षित तो कहलाते हैं लेकिन बेरोजगार की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। क्या आपने कभी उस इंसान के चेहरे को देखा है जो विद्यालय से बहुत अच्छी डिग्रियां लेकर बाहर आता है लेकिन नौकरी की तलाश में भटकता रहता है? क्या आपने कभी उसकी आंखों में झांककर देखा है जो अपनी योग्य नौकरी पाना चाहता है, जो दिन में तो रोजगार दफ्तरों के चक्कर लगाता है और रात में अपने योग्य नौकरी के बारे में सोचता रहता है, जिसे हमारे समाज में निकम्मा और आवारा जैसे अपशब्द कहे जाते हैं। वस्तुतः वो निराशा की नींद सोता है और समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। यही कारण है कि बेरोजगारी एक अभिशाप है जिससे निर्धनता, भुखमरी और अशांति फैलती है। इसी वजह से रोजगार के ही लिए हमारे देश के युवाओं को केवल अपना घर परिवार ही नहीं, अपना देश भी छोड़कर अन्य जगह जाकर रोजगार करना पड़ता है। यही वजह है जो आज के युवा में आक्रोश और अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ रहे हिंसा, चोरी, डकैती, अपराध वृत्ति तथा आत्महत्या जैसे अपराध, इसमें बेरोजगारी ही विद्यमान है। बेरोजगारी एक विष है जो हमारे देश को दूषित कर रही है। अतः इसके कारणों को खोजकर इसका निराकरण किया जाए, हमारे देश के युवाओं को रोजगार दिलाया जाए, कोई भी युवा बेरोजगार न घूमे और शिक्षित वर्ग को उसकी शिक्षा के अनुसार रोजगार दिलाया जाए। इस समस्या का जड़ से समाधान किया जाए, तभी सही अर्थों में हमारा देश महान और विकसित कहलाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करते हुए आप सभी से एक विनती करना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ जो भी हों उनसे लड़ना सीखें, कभी भी हारे ना, किसी और पर नहीं खुद पर भरोसा रखें। उम्मीद रखें कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो बदल जाता है, पर कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं। सबसे पहले उस इंसान का ख्याल रखें जिसने हमें ज़िंदगी दी है, और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और हमेशा हैप्पी रहें। थैंक यू।